भारत के अंदर थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया कंपनी जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 के अंदर हुआ था उसके अंदर अपने VI एयर फाइबर का जो डेमो है वो यहाँ पर दिखाया था। तो फाइनली वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए अपने वोडाफोन आइडिया एयर फाइबर का सर्विस जो है उसका टेस्टिंग भारत के अंदर चालू हो चुका है। यानी रिलायंस जो एयर फाइबर, एयरटेल एयर फाइबर के बाद वोडाफोन आइडिया कंपनी भी अपने 5G एयर फाइबर सर्विस को यहाँ पर लॉन्च करने वाला है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एयर फाइबर सर्विस है क्या। नॉर्मली आप अपने घर के अंदर जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस यूज़ करते हैं मैक्सिमम जगह के अंदर वो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस वायर की मदद से आते हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर की मदद से आते हैं। मतलब आपको एक स्टेबल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस देने के लिए जो कंपनीज है वो मेनली ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आपको इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर पहुँचना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। भारत एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो डिफरेंट जगह के अंदर रहते हैं, जिस कारण से भारत के कोने कोने तक ऑप्टिकल फाइबर पहुँचना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जिस कारण से जो टेलीकॉम कंपनीज है वो अपने एग्जिस्टिंग हाई स्पीड 5G सर्विसेज को यूज करके लोगों को ब्रॉडबैंड लाइक एक्सपीरियंस यहां पर प्रोवाइड करते हैं। यानी अप टू 1 GBPS तक के इंटरनेट स्पीड आपको रिलायंस जियो एयरटेल कंपनी ऑलरेडी अपने एयर फाइबर सर्विसेज के साथ प्रोवाइड कर रहा है। वोडाफोन आइडिया कंपनी हालांकि अभी तक अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च नहीं किया है, मेनली भारत के सिर्फ 4 सर्कल के अंदर, बहुत ही लिमिटेड जगह के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने 5G सर्विस को लॉन्च किया है। लेकिन नियर फ्यूचर के अंदर VI अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च करेंगे, क्योंकि 2022 साल के अंदर जो 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था उस ऑक्शन के अंदर ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपने 5G स्पेक्ट्रम को खरीदा था ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ रुपए का। तो पर्टिकुलर 5G स्पेक्ट्रम तो वो ऐसे ही नहीं खरीदा है, डेफिनेटली वो 5G सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जिस कारण से वो 5G स्पेक्ट्रम को यहाँ पर परचेस किया था। तो दोस्तों 5G स्पेक्ट्रम को मेनली मोनिटाइज करने के लिए आज के डेट के अंदर एक ही जरिया है, जो है FWA यानी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विस, जो एयरटेल और रिलायंस जो दोनों कंपनी अपने एयर फाइबर के साथ प्रोवाइड कर रहा है। वोडाफोन आइडिया किस तरीके से पीछे रह सकते हैं, तो जिस जगह के अंदर वोडाफोन आइडिया का 5G सर्विस आ जाएंगे उस जगह के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने VI एयर फाइबर को यहाँ पर लॉन्च कर देंगे। हालांकि इसका टेस्टिंग जो वो भारत के अंदर चालू हो चुका है। दोस्तों आज के डेट के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी कौन से कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके अपने 5G का टेस्टिंग यहाँ पर कर रहा है इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। उसी के साथ अपने एयर फाइबर सर्विस कौन से कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके बारे में भी कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे अगर मैं रिलायंस जियो या एयरटेल की बात करता हूँ, वो अपने एयर फाइबर सर्विसेज को चाइनीज वेंडर से यहाँ पर मंगा रहे हैं और अपने नेटवर्क को इंप्लीमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से कौन कौन से कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके ये एयर फाइबर सर्विस को लॉन्च किया जा रहा है, या अपने जो 5G सर्विस को यहाँ पर लॉन्च किया गया वो कौन कौन से कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया गया, इसके बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं है। उसी के साथ जब 5G सर्विस लॉन्च होने वाला था उसके पहले जो मेरी लैब टेस्टिंग हुआ था वहाँ पर VI कंपनी की तरफ से हर दिन कुछ नया नया खबर हमारे पास निकल गया था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नोकिया कंपनी की बात करता हूँ, तो वोडाफोन आइडिया के साथ पार्टनरशिप करके उन्हें 4.7 GBPS तक के डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो यहाँ पर अचीव किया था अपने 5G के ऊपर। लेकिन प्रैक्टिकली 5G लॉन्च होने के बाद VI कंपनी की तरफ से किसी भी तरीके का अपडेट जो वो हमारे पास निकल के नहीं आया था कि VI कंपनी अपने 5G के साथ क्या कुछ कर रहा है। ठीक सिमिलर तरीके से अगर मैं VI एयर फाइबर की बात करता हूँ, तो किस तरीके का डिवाइस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, कितना स्पीड यहाँ पर मिलेंगे, क्या कुछ प्लान्स यहाँ पर होंगे, कब लॉन्च हो पाएंगे, कहाँ कहाँ पर लॉन्च हो पाएंगे, कोई भी डिटेल्स VI कंपनी की तरफ से शेयर नहीं किया गया। सिंपली ये बताया गया VI एयर फाइबर भारत के अंदर काफ़ी जल्दी आने वाला है, जिसके लिए जो टेस्टिंग है वो ऑलरेडी भारत के डिफरेंट जगह के अंदर वोडाफोन आइडिया कंपनी चला रहा है। अगर मैं एयरटेल कंपनी की बात करता हूँ, तो आज के डेट के अंदर एयरटेल बहुत ही लिमिटेड जगह के अंदर अपने एयर फाइबर को लॉन्च किया। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, मुंबई, उसी के साथ गाजियाबाद, नोएडा के आसपास कुछ जगह के अंदर एयरटेल कंपनी अपने एयर फाइबर को लॉन्च किया है, जहाँ पर रिलायंस जो फुल फ्लेज एयर फाइबर को लॉन्च कर दिया है। भारत के 4,000 से भी ज़्यादा सिटी के अंदर रिलायंस जो कंपनी अपने एयर फाइबर को लॉन्च किया है, साथ में 6 नए प्लान को भी यहाँ पर लॉन्च किया है अपने एयर फाइबर के साथ। और अगर आप एयर फाइबर कनेक्शन को लेते हैं तो आपको फ्री टेलीविजन देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर 550 से भी ज़्यादा का लाइव टीवी चैनल्स, प्लस आपको बहुत सारे OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर जियो एयरटेल की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। हालांकि वोडाफोन आइडिया उतना तो तरक्की यहाँ पर नहीं कर पाया, लेकिन जिस तरीके का प्रोग्रेस यहाँ पर वोडाफोन आइडिया दिखा रहा है, हो सकते हैं कि आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर वोडाफोन आइडिया भी अपने 5G सर्विस के साथ साथ अपने एयर फाइबर का कॉमर्शियल लॉन्च ऊपर भारत के अंदर कर देंगे। आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है वोडाफोन आइडिया के 5G के ऊपर, आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। यही सारा अपडेट्स हमारे पास निकल कर आता, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे उस समय लगा तो ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।